वेलकम मैन, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं और आपने सी सर्टिफिकेट पास किया है तो इंडियन आर्मी ने एनसीसी 57 स्पेशल एंट्री रिलीज किया है। आइए जानते हैं आज वाली ये नोटिफिकेशन के बारे में सभी डिटेल्स एंड कैसे आप इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड व्हाट ऑल बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट अंडर द स्कीम। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये नोटिफिकेशन है एनसीसी स्पेशल एंट्री 57 के बारे में। इंडियन आर्मी ने हाल ही में नोटिफिकेशन किया है जहां पर उन्होंने अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल एस्पिरेंट्स को साथ ही साथ में इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल को इनवाइट किया है शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्री के लिए इंडियन आर्मी के लिए। अभी एनसीसी कैडेट्स तो समझ गए, एनसीसी कैडेट्स चाहे आप सीनियर डिवीजन के थे या आप सीनियर विंग के थे, होप आपको क्लियर होगा इस टर्म के बारे में। सीनियर डिवीजन में बॉयज को बोला जाता है, विंग का मतलब होता है गर्ल्स को। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट जो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज है इंडियन आर्मी के अंदर, इसको आगे भी मैं टर्म एक्सप्लेन करूंगी, जिनके को जो ब्लड रिलेशन में फॉर एग्जांपल फादर थे, आर्म फोर्सेस में सर्व करते करते शहीद हुए थे, ऑन ड्यूटी यू नो किसी इंजरी की वजह से उनकी डेथ हुई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप उसमें से भी लैंड करते हो तो ये नोटिफिकेशन इज फॉर यू। सो लेट्स हेड टू द नेक्स्ट थिंग्स, देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सो एलिजिबिलिटी के लिए नेशनैलिटी है, तो डेफिनेटली इफ यू आर फ्रॉम इंडिया वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर एन इंडियन देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एनसीसी 57 स्पेशल एंट्री। ठीक है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए? नेशनल कैडेट कोर के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनसीसी कर रखी है इंक्लूडिंग जो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज हैं, उनके लिए जो एज लिमिट है दैट इज 19 to 25 years। ठीक है, ये एज लिमिट है एज ऑन 1 जनवरी 2025 से लेके, ठीक है, As on 1 January 2025। Second is, अब वो जो एक in between का criteria होता है, that is 2 January 2000 से लेके, क्या है, 2 January 2000 से लेकर 1 January 2006 के बीच में अगर आपका birth हुआ है तो आप eligible हो इस entry के लिए। Now अभी बहुत सारे बच्चों के doubt हो गए कि मैम NCC special entry है क्या। वैसे तो अगर आप NCC से है या NCC aspire करते हैं join करने के लिए तो आपको definitely ये पता होगा, but जिनको नहीं पता है मैं आपको बताना चाहती हूँ, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर है। सो नेशनल कैडेट कोर जब आप ज्वाइन करते हो, आप स्कूल में होते हो या फिर कॉलेज में होते हो, ठीक है, आप सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग में ज्वाइन करते हो या फिर जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग में ज्वाइन करते हो, ठीक, जिसके तहत आपको नेशनल कैडेट कोर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ऑपरेट होता है, वो आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी करती है। अब इस सर्टिफिकेट या एनसीसी ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या मिलता है कि इंडियन आर्मी में डायरेक्ट अफसर बनना है अगर आपको, ठीक है, यहाँ आपको जो ये एक बेनिफिट मैं बता रही हूँ, वैसे एनसीसी के रिजर्वेशन आपको कई जगह मिलते हैं, बट इंडियन आर्मी में अगर आपको लेफ्ट यू नो ऑफिसर बनना है विदाउट गिविंग एनी रिटन एग्जामिनेशन, तो एनसीसी वाले बच्चों के लिए क्या होती है, एक स्पेशल एंट्री रिलीज होती है जिसमें उन्हें रिटन से एग्जामिशन होता है, दे आर सपोज टू डायरेक्टली अपियर फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये है बेसिक जो एनसीसी स्पेशल एंट्री का मतलब है। डिटेल्स के लिए मैं एक और वीडियो सेपरेटली इस पर कर दूंगी अबाउट द एनसीसी एंट्री एंड द बेनिफिट्स जो बच्चे एनसीसी करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू, उधर आपने एज लिमिट का एलिजिबिलिटी देखा, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का देख लेते हैं। तो इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखो, सबसे पहले एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है जी, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कह रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहता है कि आपने कोई भी डिग्री हो, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करना है, मिनिमम 50% मार्क्स आपको होना चाहिए है, ठीक है, इन टोटल मिनिमम 50% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री। सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस समय फॉर एग्जाम्पल बीकॉम थर्ड ईयर में होंगे, अपियरिंग में होंगे, लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, चाहे आप बीटेक करो, व्हाटसोएवर इट इज, तो अगर आप फाइनली अपियरिंग में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आप बीकॉम थ्री ईयर्स थर्ड ईयर में हो तो लास्ट के जो 2 years हैं या अगर सेमेस्टर वाइज आपके सिस्टम है, उन सब के जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए, इनका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। एंड सपोज आप रिकमेंड हो जाते हो ज्वाइनिंग के पहले, ज्वाइनिंग की जो डेट है अप्रैल 2025 से पहले, इट इज ऑल्सो नेसेसरी कि आप अपना अगेन पासिंग सर्टिफिकेट उनको दिखाओगे और 50% मार्क्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फ्रूटफुली फुलफिल होना चाहिए। तो ये कंपेंस जो है ये कंपलसरी है 50%, ठीक है, एनसीसी का भी तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, तो बेसिकली आपको एनसीसी में 2 या 3 साल की सर्विस देनी होनी चाहिए है, ठीक है, एज एप्लीकेबल ऑन द सीनियर डिवीजन या विंग ऑफ एनसीसी।
तो एनसीसी जब आप 3 साल की करते हो तो आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट। तो आपको बेसिकली एनसीसी आपने जो कर रखी है, सी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, और सी सर्टिफिकेट में भी मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। सी ग्रेड वाले को नहीं लेंगे एनसीसी, सी सर्टिफिकेट के बी ग्रेड वाले को लेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे जो एनसीसी परसुइंग होंगे, ठीक है, वो सारे बच्चे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जब आप बोर्ड पे जाओगे अपनी एसएसबी देने, प्रोविजनल नहीं लेके जाना, प्रोविजनल नहीं लेके जाना, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी आप अलाउड होगे एसएसबी देने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके हाथ में है और आपको लग रहा है एक आधे महीने में मिल जाएगा, देन डेफिनेटली अप्लाई, एल्स आप अप्लाई मत करना, यू विल बी रिजेक्टेड एट द बोर्ड एट द स्क्रीनिंग राउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ। सेकेंड चीज अगेन इधर भी है, जिन लोगों ने डिग्री पास कर लिया है वो अपनी प्रोविजनल जो है पासिंग वाली डिग्री लेके जाएंगे, एल्स फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए, इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। इसमें देखो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी किसको बोलेंगे भाई, आप कैसे कहोगे कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं या आती हूं? तो इसमें सिंपल सी बात है कि पहला है किल्ड इन एक्शन, एक्शन में डेथ हुई हो, ठीक है, ब्लड रिलेशन में, ठीक है, फादर की डाइड ऑफ वुंड और इंजरीज, ठीक है, अदर देन सेल्फ इंफ्लिक्टेड, खुद से नहीं होना चाहिए, अगर मेजरली सर्विस के दौरान वुंड या इंजरी लगी हो उसकी वजह से मृत्यु हुई हो, ठीक है, वुंडेड और इंजर्ड, ठीक। नेक्स्ट इज कि मिसिंग, प्रिज्यूम डेड या मिसिंग है, ठीक है, मिल नहीं रहे थे, होते हैं ना बहुत सारे लोग क्योंकि ऑन ड्यूटी होते हैं, समझ नहीं आता पहाड़ों में और स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, इफ दिस इज सच सिचुएशन तो हम मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वही मिनिमम भाई 50% मार्क्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के एनसीसी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, अगर नहीं है नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी कैटेगरी इज डिफरेंट, ठीक है। और जो आपकी डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट्स की वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होगा, वही सारी एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान वो अपलोड कर देना, ठीक है। द बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट का नंबर चाहिए होता है जो कि मैन पावर पुलिस एंड प्लानिंग डायरेक्टोरेट MP डायरेक्टोरेट के द्वारा दिया जाता है और सर्टिफाई किया जाता है कि जो पेरेंट हैज़ बीन किल्ड, वूंडेड या रिपोर्टेड मिसिंग इन दी एक्शन, तो वो सर्टिफिकेट लगेगा जो सर्टिफाई करेगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज इसमें मेन की 70 है, जिसमें 63 आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी के, 7 वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए, ठीक है। इसमें कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं होता है ST ST जनरल वाला, इसमें 2 NCC के तहत वैकेंसीज आई हैं, जिसमें NCC कैडेट्स के लिए भी है, वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए भी है, तो उसका आपके सामने डिस्क्रिप्शन है। वुमेन के लिए भी अगेन 6 वैकेंसीज है, 5 जनरल के लिए है, 1 इज फॉर द वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो टोटल कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, 76 रिलीज की गई हैं, तो होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी इधर चीज़ें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका ट्रेनिंग और ड्यूरेशन क्या होता है वंस यू गेट सिलेक्टेड। अब सिलेक्ट होने का क्या प्रोसीजर है वो भी आगे बताऊंगी, बट वंस यू गेट सिलेक्टेड आपका 49 वीक्स का ट्रेनिंग होने वाला है OTA चेन्नई एंड फॉर द बोर्ड, वो आपको उधर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रमोशन क्राइटेरिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सोच रहे होंगे भाई इस एंट्री से हमें फायदा क्या मिलने वाला है, व्हाट वुड बी द रैंक स्ट्रक्चर दैट वी वुड बी सर्विंग ऑन। तो वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग, यू गेट सिलेक्टेड, यू पास आउट फाइनली, उसके बाद में यू वुड बी कमीशन्ड। कमीशनिंग के टाइम पे आप एक लेफ्टिनेंट होने वाले हो, लेफ्टिनेंट के बाद में कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में कर्नल आ गए आपके, सब्जेक्ट टू जितनी कंडीशंस रहती हैं उस हिसाब से आपका ये रैंक स्ट्रक्चर है जो कि प्रिपेयर कराया गया है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब है तो 10+4 14 साल की नौकरी होती है। परमानेंट कमीशन के लिए आप अप्लाई करते हो, इफ एप्लीकेबल या आपका रिपोर्ट उतना अच्छा है देन डेफिनेटली दे डू उसको रेफर करते, एल्स दिस इज अ 14 ईयर्स ऑफ जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे होगे, बट सब्जेक्ट टू आपके पेज एंड अलाउंसेस सब ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं एज टू दी अदर ऑफिसर्स, आपके जितने भी बेनिफिट्स मिलने होते हैं वो सारे बेनिफिट्स के लिए यू आर एलिजिबल। नाउ कमिंग ऑन टू द पेमेंट स्ट्रक्चर, ये तो सिर्फ बेसिक सा मैंने एक बना रखा है, इसके आगे आपका मिलिट्री सर्विस पे जो होता है वो लगता है, वेरियस आपके अलाउंसेस लगते हैं, तो ये फिगर जो है ना ये कहीं ऊपर पहुंच जाते हैं, कहीं ऊपर पहुंच जाता है। ये तो सिर्फ एक जो नॉर्मल है ना, एक एक जो एक पूरी सैलरी को जो हम कहते हैं कि प्लस 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 करके बनता है, तो अगर XYZ करके कुछ सैलरी बन रही है तो ये सिर्फ X है,
जिसका सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ. दिस इज नॉट जस्ट द पेमेंट, पेमेंट इज वे मोर देन दिस एज पर जो आपके MSP होता है, आपके अलाउंसेस होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा. बट जस्ट फॉर एन आइडिया, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, दिस वॉज जस्ट अ रैंडम स्क्रीनशॉट दैट आई एंटर्ड. नाउ कमिंग ऑन टू कैसे अप्लाई करना है. अप्लाई करने के लिए देखो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं दैट आपको फॉलो करने हैं. थोड़ा सा मैं पेन का साइज कम करती हूँ तो बता पाऊंगी. तो सबसे पहले आपने जाना है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.joinindianarmy.nic.in पर. ठीक है जी, ये वाली वेबसाइट को ओपन करना है. कैप्चा कोड वगैरह मांगता है, इसको ओपन कर लेना. ठीक, उसके बाद में उधर फ्लैश कर रहा होता है ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन लॉगिन के ऊपर. ठीक है, इस पर क्लिक करोगे फिर रजिस्ट्रेशन पे ले जाएगा. रजिस्ट्रेशन तब जरूरी नहीं है अगर तुमने ऑलरेडी पहले भी NCC स्पेशल एंट्री या किसी अदर एंट्री के लिए अप्लाई किया हुआ था. अगर तुम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो देन रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो रजिस्टर कर लेना जो जो डिटेल्स वो मांगते हैं. ठीक है, उसके बाद में रजिस्टर करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दो. ठीक है, फिर एक एलिजिबिलिटी का पेज ओपन होता है. ठीक, उस पर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपकी जो भी करंट नोटिफिकेशन होगी NCC के लिए एलिजिबल होगे तो ओपन आके खुद ही ओपन होके आ जाएगी. फॉलोड बाय दैट उस पर अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा. उसको अच्छे से पढ़ना है, देखना है क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस करके जब आगे बढ़ोगे तो जो बेसिक डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है उसमें एंटर करने के लिए उसको ठीक से भरना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जो तुम एप्लीकेशन फॉर्म में भरोगे और जो तुम डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे जब वो वेरीफाई होती है वहाँ पे, तो बहुत सारी बार क्या होता है कि ना गलतियाँ होती हैं, कहीं स्पेस नहीं पड़ा, कहीं कुछ नहीं पड़ा, तो तुम्हें फर्जी में एफिडेविट्स लगाने पड़ते हैं, XYZ चीज़ें. तो बोर्ड में जाके परेशान नहीं होना है, तो अभी से अपना फॉर्म अच्छे से भर लेना. एंड अगर आप एक ऑलमोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हो तो मुझे नहीं लगता किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत है. इतने सारे फॉर्म्स आपने ऑलरेडी भरे होंगे कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं. नाउ कमिंग ऑन टू द सिलेक्शन प्रोसीजर. सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या हो गया, फॉर्म्स आ गए. ठीक है जी, फॉर्म्स आउट हो गए, फॉर्म में आपने अप्लाई कर दिया. अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट लिस्टिंग या कुछ रहता है, ऑलमोस्ट सभी को कॉल अप आता है. ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, आपका कॉल अप आएगा. SSB में कॉल अप आया, आपने अपना सेंटर आपको पता रहता है, आपको सिर्फ डेट सिलेक्ट करनी होती है कि किस दिन आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो. डेट सिलेक्ट किया, फाइनली आप SSB इंटरव्यू देने पहुंच गए. अब भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये SSB इंटरव्यू. क्यों? क्योंकि ये 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस है जो बेसिकली आपके मनसा वाचा कर्मणा को टेस्ट करता है. मनसा मीन्स साइकोलॉजी टेस्ट होता है, वाचा मीन्स पर्सनल इंटरव्यू, एंड कर्मणा मीन्स जो DTO टेस्ट होते हैं. ये कुछ टेक्निक्स बेसिकली डिजाइन की गई हैं ताकि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर की पर्सनैलिटी को एसेस किया जाए अंडर प्रेशर, अंडर नॉर्मल सिचुएशन विद द टीम XYZ, ताकि एक सूटेबल कैंडिडेट जिसके अंदर पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हो उसको सेलेक्ट कर लिया जाए इंडियन आर्मी के लिए. ठीक है जी, अगर आपने इसका फुल प्रोसेस देखना है क्या क्या होता है, वीडियो के लिंक एक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जिसमें पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको एक बार रेफर कर लेना. ठीक है, दिस इज अ बेसिक नोटिफिकेशन वीडियो, तो मैं उतना ही रखना चाहती हूँ उस वीडियो में. एंड वंस यू गेट रिकमेंडेड, मानो तुम सिलेक्ट हो गए तो तुम रिकमेंडेड हो जाते हो. ठीक है, तो तुम्हें प्लस का साइन का चेस्ट नंबर मिल जाता है. अगर तुम थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए देन डेफिनेटली आपको रिकमेंडेड का मतलब पता होगा. ठीक है, नहीं तो आई आस्क द वीडियो एडिटर कि इधर एक रिकमेंडेड कैंडिडेट की फोटोग्राफ जरूर डिस्प्ले करें ताकि आपको प्लस साइन का मतलब समझ पाए. वो प्लस साइन दैट इज द रिकमेंडेशन का साइन. वंस यू गेट रिकमेंडेड फिर आपको वेट करना होता है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए. ठीक है, अब NCC स्पेशल एंट्री में देखो सिंपल सी बात है, सच्चाई ये है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी 60 वैकेंसीज होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, उतने बच्चे रिकमेंड ही नहीं होते. तो अगर कोई मेल कैंडिडेट रिकमेंड हो जाता है इस एंट्री के लिए तो ऑलमोस्ट वो इन होता है, मतलब 99% वो इन है और वो ज्वाइन कर रहा है. बट फीमेल्स के केस में जब वैकेंसी 6 है, ऑलमोस्ट 40-50-60 फीमेल्स गेट रिकमेंडेड एंड टॉप 5 और 6 गेट सिलेक्टेड इन टू दी सर्विसेज एंड ज्वाइन दी OTA. रीजन बिंग क्योंकि वैकेंसी कम है, तो ये हार्श रियलिटी है इस एंट्री की. बट तुम्हें अपनी एक सीट चाहिए तो उसी हिसाब से यू हैव टू फाइट एंड गेट योर सीट. नाउ कमिंग ऑन टू दी ऑनलाइन एप्लीकेशन. ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 11 जुलाई 2024 से 3 बजे से शुरू है, 9 अगस्त 2024 3 बजे तक खुली रहेगी. अब सिंपल सी बात यह है, यहाँ लथार्जिक नहीं होना है. अभी आपने नोटिफिकेशन देखा है, वीडियो एंड होने के बाद में फटाफट से अगर कोई काम नहीं है तो जाके फॉर्म फिल करना है. लास्ट मिनट के वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट मिनट पे बहुत ज्यादा हेपर्सनेस होती है. कभी फॉर एग्जाम्पल सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो ट्राई टू फिल इट एज सून एज पॉसिबल. आधार नंबर या क्लास 10th का सर्टिफिकेट नंबर इज मैंडेटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन दिस ID. तो इंश्योर की दोनों चीज़ें आपकी, दोनों में से एक या दोनों ही चीज़ें आपके पास हो तो बहुत बेहतर है. नाउ कमिंग ऑन टू कि हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. अगर आपको हेल्प चाहिए, टीम सेंचुरियन इज देयर
फॉर योर, ठीक है? देखो भाई, टीम सेंचुरियन का जो पैनल है, जिस हु हैज प्रोड्यूस्ड ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 एंड मल्टीपल सच रैंक्स, जहां हम हर हफ्ते 3 से 4 ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज गाइडेंस दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आप हमारे 21 डेज ऑफ SSB ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन आइदर इन लखनऊ और इन देहरादून, ठीक है? दोनों ही वेन्यूज पे हमारे पास में मेंटर्स है जो आपको हेल्प कर रहे हैं इन इंडिविजुअली, चाहे वो OIR की बात हो, चाहे वो आपकी PPNDT की बात हो, वेदर इट इज़ योर साइकोलॉजी टेस्ट, वेदर बी इट योर GTO टेस्ट, चाहे फिर वो आपके पर्सनल इंटरव्यूज की बात हो, मॉक कॉन्फ्रेंसेस की बात हो, वी हैव फैकल्टी मेंबर्स फॉर एवरीथिंग, जो कि एक्स डिफेंस ऑफिसर्स है, DIPR ट्रेंड है. अपार्ट फ्रॉम दैट, SSB बोर्ड मेंबर्स रह चुके हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए इतना बेहतरीन कोर्स तैयार किया हुआ है जो आपको इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज गाइडेंस देने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ कमिंग ऑन टू किन किन डेट्स पे आप स्पेशली NCC बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हो, मैं इस वीडियो में आपको जुलाई के डेट्स दे देती हूँ. जुलाई में आप 15th, 22nd and 29th, ठीक है? 15th, 22nd and 29th of July, ये 3 डेट्स हैं जब आप ज्वाइन कर सकते हो जुलाई के बैच में, क्योंकि हर मंडे हमारा एक नया बैच शुरू होता है फॉर दी SSB इंटरव्यू. सो यू कैन कम अप एंड टेक एनी बैच एज ऑफ जैसा आपको चाहिए. सो विद दिस एस्पिरेंट्स होप, आज की जो NCC की स्पेशल एंट्री की नोटिफिकेशन है, इसके बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे. इन एनी केस, स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी गाइडेंस यू नीड, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 9795977776 पर कनेक्ट करना है, हमारे अकेडमिक काउंसलर से बात करना है और लेनी है पूरी जानकारी एंड अप्लाई कर देना है इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री. टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, नमस्कार एंड जय हिंद. डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेंड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस. ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस अकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं. प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी आपको वेलकम करती है टू ज्वाइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन. प्लीज कॉल ऑन 9795977776 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद.